अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है साजिद कमर और मैं आपको आज एग शेल्स के ऊपर डेकोरेशन और मुख्तलिफ चीज़ें बनाना सिखाऊंगा। इस मकसद के लिए सबसे पहले मुनासिब साइज़ के अंडे का इंतखाब कीजिए। अंडे को अच्छी तरह साफ़ कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि अंडे में सिर्फ़ एक ही सुराख हो और इसका जो अंदर वाला मटीरियल है सारा आप बाहर निकाल लें, तो आप सिरिंज की मदद से सुराख करें और आहिस्ता आहिस्ता सारे मटीरियल को बाहर निकाल लें। और अगर आप चाहते हैं कि सिरिंज का इस्तेमाल ना करें और उस मकसद के लिए फिर आप अंडे के दोनों तरफ बारीक बारीक सुराख कर दें और फिर एक तरफ से जो है फूंक मारकर ग्लास में या प्लेट में अंडे के अंदर वाले तमाम मटेरियल को बाहर निकाल लें। ये काम जो है थोड़ा सा मशक्क़त तलब ज़रूर है, मगर आसान भी बहुत है, क्योंकि इससे बग़ैर किसी तकलीफ़ के और परेशानी के सारा मटेरियल बाहर आ जाता है। जब अंडे को आप खाली कर लें तो दोनों किनारों पर आप एल्फी का एक एक ड्रॉप लगा दें, ताकि ये जो नाजुक हिस्सा है अंडे का वो मज़ीद ना टूटे और आप अपना काम भी जारी रख सकें। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक छोटा सा सुराख किया है और अंडे को ज़्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचा है। इसके बाद अंडे को एक मरतबा फिर से साफ़ कर लें और उस पर अपना मतलूबा डिज़ाइन या नाम लिखना शुरू करें। इस दौरान अंडे के छिलके पर ज़्यादा ज़ोर ना दें और ना ही किसी नोकदार चीज़ का इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे अंडे का छिलका टूट सकता है। मैंने इस अंडे के छिलके पर अली नाम लिखा है। मतलूबा डिज़ाइन या नाम लिखने के बाद मैंने इस पर इपॉक्सी रेजिन की एक लेयर चढ़ा दी है, और इपॉक्सी रेजिन को इस्तेमाल कैसे करना है इसका तरीका मैं अपनी पहली वीडियोस में तफसील से बता चुका हूं। आप मेरी पहली वीडियोस को तसल्ली से देखकर इपॉक्सी बनाने का तरीका और उसकी मकदार का तयन करने के बारे में मुकम्मल तफसील मेरी वीडियो से हासिल कर सकते हैं। इपॉक्सी रेजिन खुश्क होने के बाद आप एग शेल को मज़ीद डेकोरेट भी कर सकते हैं, मगर इस बात का ख्याल रहे कि डेकोरेशन में कोई सख्त चीज़ या वज़नी चीज़ का इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि इससे एग शेल को नुकसान पहुंच सकता है। आप देख सकते हैं कि मैं एग शेल पर मुख्तलिफ किस्म के कार्टून करेक्टर्स भी बना रहा हूं। शायद ही कोई ऐसा डिज़ाइन हो जो एग शेल्स पर ना बनाया जाता रहा हो। स्केच मुकम्मल होने के बाद मैंने इस पर पोस्टर कलर का इस्तेमाल करके उस पर रेजिन की एक लेयर चढ़ा दी है और उसको खुश्क होने के लिए रख दिया है। इपॉक्सी रेजिन को खुश्क होने के लिए कम अज़ कम 7 घंटे दरकार होते हैं। खुश्क होने के अमल के दौरान इनको हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे उन पर निशान पड़ सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि ये इतने बैलेंस्ड हैं कि आप इनकी मदद से लट्टू भी बना सकते हैं, यानी एग शेल्स को एग टॉप के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एग शेल पर स्केचिंग के बाद इसको हाथ लगाने से परहेज़ करें जब तक आप इस पर इपॉक्सी शामिल ना कर दें। एक बार इपॉक्सी रेजिन खुश्क हो जाए तो आप इसको टच कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपका स्केच मिटेगा नहीं, ना ही पोस्टर कलर ख़राब होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डोरेमोन, शिज़ुका और नोबिता का स्केच पसंद आएगा। एग मटेरियल निकालते हुए या स्केचिंग करते हुए अगर एग शेल टूट जाए तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं, आप टूटे हुए एग शेल की मदद से भी कुछ ना कुछ अच्छा डिज़ाइन बना सकते हैं। इस वक्त मैं पेंसिल की मदद से उमर नाम लिख रहा हूं और इसमें मैं पोस्टर कलर्स नहीं इस्तेमाल करूंगा, जबकि सिर्फ पेंसिल कलर्स जिसमें ओरो कंपनी एक अच्छी कंपनी है उसके कलर्स का इस्तेमाल करूंगा। स्केचिंग करते हुए या डिज़ाइन बनाते हुए बिल्कुल भी जल्दबाजी का मुजाहिरा ना करें, क्योंकि इससे एक्शन टूट सकता है, जबकि ये वीडियो वक्त को बचाने के लिए तेज़ स्पीड करके दिखाई जा रही है। स्केचिंग या डिज़ाइन फ़ाइनल होने के बाद आप एक मरतबा चेक कर लें, अगर कोई कमी बेची है तो उसको दूर कर लें। डिज़ाइन फ़ाइनल होने के बाद इस पर मैंने इपॉक्सी रेजिन की एक लेयर चढ़ा दी है और आप देख सकते हैं कि ये कितना अच्छा लग रहा है। इसके बाद मैं एक पैनोरामिक सीनरी बनाने के लिए कुछ लाइंस खींच रहा हूँ। इब्तदाई स्केचिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि फ़ाइनल प्रोडक्ट वैसी ही बने जैसा आप बनाना चाहते हैं। चूँकि ये एक पैनोरामिक सीनरी है, इसलिए मैं एग शेल के हर तरफ स्केचिंग कर रहा हूँ, और इसी तरह इन स्केचेस के ऊपर मैं क्रेयॉन्स या पोस्टर कलर्स का इस्तेमाल करूँगा। इनिशियल स्केचिंग मुकम्मल होने के बाद मैंने इसमें पोस्टर कलर्स का इस्तेमाल किया है, ताकि फ़ाइनल प्रोडक्ट जो है वो शानदार नज़र आए और जाज़िब नज़र रंगों से मुज़य्यन हो। डिज़ाइन फ़ाइनल होने के बाद आप देख सकते हैं कि मैंने इस पर इपॉक्सी रेजिन की एक लेयर शामिल करके इसको खुश्क होने के लिए रख दिया है, और खुश्क होने के बाद आप देख सकते हैं कि इस पैनोरामिक सीनरी में कितने खूबसूरत रंग नज़र आ रहे हैं और एग शेल कितना शाइनी है। आप भी
एक्सेल्स पर अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन बना सकते हैं और अपनी मर्ज़ी की चीज़ों से उसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने एक एक्सेल पर स्नो नाइट डिज़ाइन बनाया है और उस पर इपॉक्सी की लेयर शामिल कर रहा हूँ। इपॉक्सी रेजिन का इस्तेमाल करते हुए आप अपने हाथों पर ग्लव्स लाजमी पहने ताकि जिल्द पर किसी भी नुकसान से बचा जा सके। एग शेल पर इपॉक्सी रेजिन की लेयर लगाते हुए इस बात का ख्याल रखिए कि किसी हिस्से पर इपॉक्सी की लेयर लगने से रह ना जाए। इस दौरान एग शेल को मुसलसल हरकत में रखें ताकि एग शेल के हर हिस्से पर यकसां इपॉक्सी रेजिन फैल जाए, जबकि इजाफी इपॉक्सी रेजिन जो नीचे गिर रही हो उसको महफूज करने के लिए या दोबारा इस्तेमाल करने के लिए आप एक रफ़ प्लास्टिक कंटेनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रहे कि इपॉक्सी रेजिन खुश्क होने के बाद जिस भी सतह के साथ लगी होगी वो उसी का हिस्सा बन जाएगी और आसानी से अलग नहीं होगी, इसलिए ऐसे कामों के लिए सिर्फ रफ़ बर्तन ही इस्तेमाल करें। और अब आप देख सकते हैं कि 6 घंटे गुजरने के बाद इपॉक्सी रेजिन बिल्कुल खुश्क हो गई है और बहुत शाइनी है। और इपॉक्सी खुश्क होने के बाद आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी डेकोरेशन इसके ऊपर अटैच कर सकते हैं। इसी तरह मैंने एक और एक्सेल पर एक नाम लिखने के बाद छोटे छोटे पैचेस लगाकर डिज़ाइन को मुकम्मल किया है जो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और इसके बाद मैंने इस पर इपॉक्सी की एक लेयर ऐड की है और अब आप इसको अपनी मर्ज़ी से डेकोरेट भी कर सकते हैं। इसी तरह मैंने एक और एक्सेल पर 2 नाम लिखे हैं और कलर्स फिल करने के बाद मैंने बाकी जगह को फिल करने के लिए पेंसिल का इस्तेमाल किया है, जबकि इसकी बेस में मैंने पोस्टर कलर्स का इस्तेमाल करके ग्रीन ग्रास और येलो फ्लावर्स दिखाने की कोशिश की है। स्केच और कलरिंग फाइनल होने के बाद मैंने इपॉक्सी रेजिन की मदद से इस पर एक लेयर ऐड कर दी है और 6 से 7 घंटे गुजरने के बाद अब वो बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये कोशिश बहुत पसंद आई होगी। मेरी आप सब व्यूअर्स से यही गुजारिश है कि आप खुद भी कुछ क्रिएटिव काम करें ताकि आप और आपकी फैमिली बच्चे बिजी रहें और कुछ नया सीखें। मेरी वीडियोस को पसंद करके आप मेरी ऐसे ही हौसला अफजाई करते रहें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। नई वीडियोस के साथ एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।